गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है, ज़्यादा ही गुड मॉर्निंग हो रही है। 5 बज रहे थे, 5 बजे मैं उठी थी, 6 सवा 6 हो रहे हैं। और अक्कू सोने का नाम नहीं ले रहा है। अक्कू कह रहा है कि मुझे मैगी खानी है। सुबह जब से उठा है जब से ही कह रहा है कि मैगी खानी है। और मैं घर गई हूँ जब से इसको सुबह उठने की आदत लग गई, वरना ये पहले सुबह नहीं उठता था। आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ोन की, मान ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा। कह रहा है मम्मा मैगी खानी है। अब रख दिया फ़ोन इसने। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, चलो मैगी। बताओ सुबह सुबह मैगी कौन खाता है? कौन खाता है बताओ? मैगी कोई खाता है मैगी सुबह सुबह? हाँ आ जाओ ऊपर, आ जाओ, चलो। हाँ ठीक है, दूध पी लेगा। आ जाओ ऊपर। आ 6:15 हो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, क्योंकि 8 बजे पापा आते हैं ऊपर। जब तक मैं क्या करूँगी यार, तो कोशिश करती हूँ सोने की। अगर नींद आ जाती है और आकर सोने देता है तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर अपना काम करेंगे, ऐसे ही लेटेंगे। और मैंने आज अपना व्लॉग अपलोड कर दिया है, रात को ही कर दिया था, प्राइवेट कर रखा था, अब उसे पब्लिक करना है। फिर देख लेना आप लोग, ठीक है? जो मैं अपने घर आई हूँ, मायके से ससुराल आई हूँ, मुझे अचानक लाया गया है, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी आने की। और मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को आना भी है ससुराल। मैं उस टाइम सो गई थी, फिर उसके बाद उठी हूँ ना, काम किया है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा बहुत रहता है। और आकाश अभी तक सो रहा था, अभी मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो वो ना बाहर निकल के आ गया कि मम्मा पानी पीना है। काम गया ये? अरे गुंडा साइकिल चलाने लग गई क्या? दिखाऊं आपको साइकिल चलाने लगा। उठते उठते साइकिल चलाते हो भाई? इधर आओ मम्मा जी बातें करो, तुम पहले इधर आओ मम्मा जी बातें कर लो। चुनो इधर, हेलो करो। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं, चलो अच्छे रहना चाहिए सब, है ना? मैंने 10 तक गिनती गई हो, कितने तक जाएगा? कितने तक जाएगा मुझे दागे देगा? 5 5 6 7 8 9 10। मैं आ गई, आ जा। पैंट पहना दूं? क्यों क्यों पहना दे? ये जिसने पहले पहनी हुई है ना, इसको उतार के कह रहा है ये वाली पहनाओ। इसको पता है कि ये इसके साथ की है, नंगा पता है कि इसके साथ की पैंट है, तो यही पहननी है। ये जब से इसने सूट पहना है ना ऊपर का, मतलब ये जो ऊपर का ये स्वेटर पहना है, जब से कह रहा है इसके साथ की पैंट पहनाओ। मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि इसकी इलास्टिक ढीली है, फिर ये इसे ऊपर ऊपर करता रहता है, इसमें इलास्टिक डलवानी है। बच्चे भी जानते हैं कि कौन सा किसके साथ का सेट है। बहुत देर से लगा है पीछे मेरे। अब मैं इसको पहना देती हूँ, क्योंकि सोएगा जब तक मैं। हाँ उतार है, उतार। गाइस पता है आज क्या हुआ? आकर्ष को सुला रही थी, आकर्ष सोया नहीं, क्योंकि आकर्ष सो के सुबह 11 बजे और 11:30 बजे उठा था। फिर उसकी नींद तो पूरी हो ही रखी थी, अब ना मैंने उसको सुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, वो नहीं सोया। तो फिर उसको मम्मी ले गई थी नीचे, मैं सो गई थी 1-1.5 घंटा सो के, फिर मैं उठ गई थी। तो मैं अब उठ के गर्म पानी पी रही हूँ, प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा चल गर्म पानी पीती हूँ, ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया। और इन्होंने इनका फ़ोन आ गया था, कह रहे थे कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मैं कॉफ़ी बनाने लग गई थी। और साथ के साथ जो सामान मतलब खलारा पड़ा था, तो वो मैं सेट करती जा रही थी, क्योंकि मैं सो गई थी। तो उसके बाद ना ये आए थे स्कूल से, तो इन्होंने अपना खाना गर्म करा था, मम्मी आई थी तो उन खाना वाना गर्म करा था, तो उसकी वजह से खलारा पड़ गया था। तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए ना यहाँ दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए। और कॉफ़ी मैं हम तीन मतलब मम्मी के लिए, अपने लिए और इनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। तो मैं तो सो के उठी थी, इसलिए फिर मैं कहा चल, वैसे कॉफ़ी कम पीती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी पीने के बाद फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब बना रही थी तो मैंने कहा चल, बना तो 2 कप रही थी लेकिन बन 3 कप गई, तो मैंने कहा चल पी लेती हूँ।
और मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो मैं आलू छील रही हूँ, मेथी मैंने इनसे आलू मैंने इनसे नीचे से मंगवा लिए थे। मेथी मैंने सुबह ही काट के रख दी थी, मम्मी ने साफ़ कर दी थी, मैंने काट दी थी, तो मेथी तो साफ़ नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आलू काटने पड़े थे छील के। तो यहाँ मैं कॉफ़ी पी रही हूँ अपने साथ के साथ और आलू छील रही हूँ। आलू छील के फिर मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं आलू मेथी की सब्जी। यहाँ मैं सब्जी बनाने लगी, यहाँ पर मैं लाल मिर्च नहीं होती जो हम लोग उसे मेथी का तड़का लगाते हैं, जो साबुत लाल मिर्च होती है, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी मिर्ची काट रही हूँ। कई बार है ना हाथ में मिर्ची लगी रह जाती है तो उस वजह से आकर्ष के भी लग जाती है, तो इसलिए मैं हाथ से कम ही करती हूँ। मैं कैंची से काटती हूँ या स्लैब पर रख के मतलब चाकू से काटती हूँ। तो मैं हीरा और जींग सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं जीरा और हींग डाल रही हूँ इसमें, तड़का लगा रही हूँ। और अब मैं डालूँगी सब्जी। तो पता है आज आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं बनाने वाली थी कोई और वीडियो। मैंने सोचा था मैं आज है ना मतलब कुछ जो मतलब अपना स्किन केयर दिखाऊंगी आपको कि मैं अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ, लेकिन ना मतलब दिन का मतलब ऐसा बिजी टाइम हो गया था, बिजी भी क्या था मतलब कुछ अजीब सा ही था, लेजी लेजी सा डे हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज नहीं किसी और दिन बना के दिखाती हूँ, और मुझे वो करना भी है, काफ़ी टाइम से मैंने करा भी नहीं, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। और लेकिन वो नहीं कर पाई तो फिर मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा चल अब कोई किसी और दिन कर। मेरी सब्जी बन रही है, बन चुकी है, थोड़ी सी रह मतलब थोड़ी गीली गीली सी है तो उसको सुखा रही हूँ। और मेरा ना ब्लॉग चल रहा है दूसरे वाले फ़ोन में, मैं भी सभी करते होंगे जो ब्लॉग बनाते होंगे, एक फ़ोन में दो तीन फ़ोन में चला के रख लेते होंगे, मैं भी ऐसी कई बार कर जाती हूँ। और एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ। तो मैं जाऊँगी अब, सब्जी मेरी बन चुकी है और अभी खाना खाने में सब लोगों को 1 घंटा है, मतलब 9 बजे खाएंगे, तो कहने चल पार्क चलते हैं, तो पार्क में जा रही हूँ। और इन्होंने बोला है कि बहुत टाइम से हमने साथ में गोलगप्पे भी नहीं खाए हैं, मतलब घर गए थे तब तो खाए थे, यहाँ नहीं खाए, घर पे खाए थे जब जिस दिन मैं आने को थी उस दिन खाए थे, और यहाँ पर नहीं खाए। तो ये कह रहे बहुत टाइम से हमने यहाँ पर गोलगप्पे भी नहीं खाए साथ में, तो हम गोलगप्पे भी खाएंगे। और अगर मैं फ़ोन लेके गई तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं फ़ोन यहाँ पर लेके नहीं जाती बाहर, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है फ़ोन की, और बाकी देखते हैं क्या होता है। हम लोग है ना गोलगप्पे खा के ना वापस आ रहे थे, तो मुझे याद आया कि मेरे पास बिंदी के पत्ते ख़त्म हो गए हैं, तो मैं बिंदी लेने लगी थी, फिर एकदम से याद आया हम काफ़ी टाइम से ना ये वैक्स हीटर है जो, इसको लेना था। हम ऑनलाइन भी देख रहे थे लेकिन हमें समझ नहीं आया था, तो हमने यहाँ पूछा तो इन्होंने कहा हाँ है, तो ये हमें ना इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ना कर दिया फाइनल कि हमें लेना है, और यहाँ पर ये पैकिंग करके हमें दे रहे हैं, तो मैंने ये सब सामान लिया है। और अब हम लोग आ गए हैं पार्क, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ आपको दिखाती हूँ। मैंने खा लिया, मैंने मैंने भी एक खा ली, एक खा ली सबने। हाँ एक रोटी मैंने चलो खाई ये है। मैं बना के देखती हूँ। हाँ ये इसमें आटा भी रखा है, इससे बनाओ अच्छी बनेगी। और मैंने एक रोटी खा ली है, एक और खाऊंगी। आज ना मेथी आलू की सब्जी बनी, उसमें रखती हूँ मेथी आलू की सब्जी और बाजरे की रोटी। मम्मी भी खा रही है खाना। कैसे बनाए मम्मी खाना? रोटी तो मम्मी ने ही बनाई है, सब्जी मैंने बनाई है। मेरे को ना मक्के की बाजरे की रोटी ना बनानी नहीं आती, क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे तो मेरे से बन नहीं पाती है। तो मैं पार्क से आई, इतने मम्मी ने सबको खाना खिला दिया था, और यहाँ पर ना मम्मी कहने लगी कि ना एक रोटी बची है तुम बना के देखो बन जाएगी, और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि चलो मेरे से बन तो गई, वरना मेरे से ना रोटी नहीं बनती है। लेकिन अभी ना बन गई थी मेरे से, और खाने के लिए थाली लगा ली मैंने। गाइस मैंने आपको दिखाया हम लोग गए थे मार्केट, हमने गोलगप्पे, मेरी लिपस्टिक छूट गई है खाना खाया ना उस वजह से। तो हम लोग मार्केट गए थे, हमने गोलगप्पे भी खाए थे, और गोलगप्पे का मैंने कोई क्लिप नहीं ली क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो और हमने सामान लिया है कुछ लेने, तो मैं गई थी हमने लिए बिंदी, मेरी बिंदी ख़त्म हो रही थी, लेकिन वहाँ जाते ही फिर एक दो चीज़ हन्नू को भी याद आ गई, मुझे भी याद आ गई, मैं कहा चल ले लेते हैं। और फिर दुकान पर जाओ तो चीज़ें दिखती हैं सामने, तो फिर मन भी करता है लेने का जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ, काफ़ी 3-4 चीजें लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है। मतलब जो हमने लिया है ना वो बहुत टाइम से लोग सोचे थे लेने का, ऑनलाइन भी चेक किया था, लेकिन ऑनलाइन ये था कि ऑनलाइन कैसे लेंगे, पहली बार परचेस कर रहे थे और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो हमने दुकान पे जाके डायरेक्ट लिया है, तो उन्होंने हमें काफी सारी चीजें इसके बारे में बताई थी। शायद हम ऑनलाइन लेते तो हम लोग वो चीज नहीं देख पाते और हमें लगता है चीज खराब है और हम अब काफी नुकसान भी कर लेते अपना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लेके आए हैं। मैं लेके आई हूँ एक अपने लिए शुगर पॉप का लिप बाम, मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी वैसे पॉप की, तो मैंने
मतलब लिपस्टिक भी यूज कर रही हूँ, अच्छी है, तो फिर मैंने कहा चल लिप बाम भी मेरा खत्म हो रहा था, तो फिर मैंने अब ये पहली बार ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसा है। और मैं बिंदी लेके आई हूँ, लेने तो मैं ये दो बिंदी गई थी, लेकिन फिर वहां पर चीजें समझ में आ गई तो मैं ले ली, और मैंने तो ये लिया है, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं, ये वैक्सिंग हीटर जो होता है, वैक्स हीटर है ये, और बहुत लोग जानते भी होंगे इसमें बताने वाली क्या बात है। और इसकी ये भी है वैक्स टिप ली है, इसका स्पैचुला है, और ये वैक्स है, तो वैक्स हमने उनसे पूछा था कौन सी वैक्स अच्छी है, तो उन्होंने बोला चॉकलेट वैक्स जो है वो अच्छी है, आप यूज करोगे तो आपको समझ आएगा, उन्होंने हमें खोल के भी दिखाया, और उन्होंने इसके बारे में मुझे काफी सारी चीजें बताई जो मुझे नहीं थी इसकी नॉलेज, और शायद मैं पूछती किसी से तो कोई बताया था, लेकिन उन्होंने दुकान वाले भैया ने मुझे काफी अच्छे से बताई सारी चीजें, और जब मैं इसको यूज करूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका भी ब्लॉग बना के कि कैसे कैसे यूज करूं। ये सारा मैंने ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। और मैं करती हूँ वीडियो को अब मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, आज का ब्लॉग बस इतना ही है, और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट, आज का ब्लॉग मैंने कुछ अलग सोचा था लेकिन वो मैं कर नहीं पाई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बहुत सारा प्यार दें, और टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे। गाइस एक बात बताऊँ, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ना ये मतलब जो है ना लिप बाम मैंने खोल के देख लिया है, मेरे को बहुत मन कर रहा था, मैंने कहा अब यूज करूंगी अपना फेस वॉश करके, नाइट में जो फेस वॉश करते मैं सोती हूँ करके, और मैं आपको बता दूं कि ये है शुगर पॉप का है, स्ट्रॉबेरी 06 का नंबर है, शेड नंबर, और ये पता है कितने का पड़ा है मुझे, 140 का, और मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं इसकी मतलब जो इसका MRP है, और ये कितने का है, 250 इसमें 275 इसमें MRP लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने 250 का दिया हुआ है, और ऑफलाइन में भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है थोड़ा बहुत, और ये कितने का है, 175। अच्छा, बिलिंग इन्होंने करी थी तो इसलिए मुझे रेट का नहीं पता, हाँ 175 इसके तो MRP पे दिया है जो भी है, और स्ट्रिप कितने की है, ये भी 175 की है, और बिंदी तो 10-10 रुपए के पत्ते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, और ये कितने का था, 20, ये 20 का था, तो ये चीजें हैं, और अभी मैं इसको ना अप्लाई करके लिप्स पे दिखाती हूँ आपको, कलर कितना प्यारा है ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी सेड है, 06, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो ऑफलाइन, यहाँ पर कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन ही लिया है, ठीक है, और मैं इसका रिव्यू बताऊंगी आपको, अभी तो मैं इसी का बता पाऊंगी, बाकी इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। गाइज मैंने लगा लिया है, लिप बाम है जो मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो में, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, मैं मेरा वो मामा अर्थ वाला खत्म हो गया था, वो मेरे को ना मतलब फ्री मिला था प्रोडक्ट के साथ, तो 1 buy 1 get 1 फ्री चल रहा था, उस टाइम मैंने लिया था, वो यार महंगा बहुत है, 300 रुपये का है, और वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, अभी तक मैं वही लगा रही थी, फिर अभी मैं शॉप पे गई, मुझे दिखा, मैंने कहा पूछा उनसे, मैंने कैसे करी, बहुत अच्छा है, फिर मैंने ये ले लिया, तो अभी मैं ये यूज करूंगी, फिर मैं देखती हूँ अगर ये अच्छा लगा तो फिर मैं यही लगाया करूंगी, और मैं हल्दी वाला दूध ले आई हूँ, आज मैं पार्क गई थी तो थकान हो जाती है, पार्क जाते काफी टाइम बाद पार्क गई थी, पैरों में दर्द होता है, तो इस वजह से मैं हल्दी वाला दूध पी, डेली हल्दी डाल के नहीं पीती, कभी कभी जब मुझे लगता है कि हाँ आज मतलब थकान हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो मैं हल्दी डाल के दूध पीती हूँ, तो गाइस चलो बाय, गुड नाइट, आकाश आ गया नीचे से।